वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने हेयर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। गाइस, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे हेयर्स इतने बाउंसी कैसे लगते हैं, स्ट्रेट कैसे लगते हैं और शाइन कैसे करते हैं इतना, तो उन सब के बारे में आज आपके साथ बात करने वाली हूँ। मैंने बाय द वे कोई आयनिंग नहीं करी हुई है आज बालों में, कोई ड्रायर यूज नहीं किया है, कोई कलर यूज नहीं किया है, कोई स्ट्रेटनर यूज नहीं किया है। मेरे बाल नेचुरली इस तरह के दिखते हैं, आप देख सकते हो इस तरह का बाउंस मेरे बालों में हमेशा रहता है। मैं ज्यादा हेयर प्रोडक्ट्स पे हीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो यूज नहीं करती हूँ अपने बालों में, ताकि मेरे बाल जो है वो डैमेज नहीं हो जाए। यूजुअली मैं तभी यूज करती हूँ जब मुझे कोई ब्राइडल मेकअप या मेकअप लुक्स करने होते हैं, मैं तब यूज करती हूँ। नॉर्मली मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ ताकि मेरे बाल डैमेज ना हो। साथ ही साथ मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल इस तरह के बन जाए तो डेफिनेटली आप ये वाले प्रोडक्ट्स जो वो चेकअप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको पसंद आए तो बेल बटन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन के ऊपर आ जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ। सो गाइस, सेसा जो है वो 25 साल से आयुर्वेदिक हेयर केयर एक्सपर्ट रहा है। ये ओनियन रेंज जो है वो उन्होंने अभी अभी लॉन्च करी है। इसमें आपको हेयर ऑयल मिल जाता है, शैम्पू मिल जाता है, कंडीशनर जो है वो मिल जाता है, एंड ऑल्सो ये 3-स्टेप किट है जो आपको बहुत ही अच्छा केयर प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक हर्ब्स से बनी हुई है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर बेटर हेयर्स। और ऑल्सो पैकेजिंग तो बेहद अच्छी लगी मुझे। अगर मैं इसको नंबर देना चाहूँगी तो मैं 5 में से 5 नंबर दूंगी। और क्योंकि मैं इनको 2 से 3 बार जो है वो यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं ओवरऑल प्रोडक्ट को अगर मैं नंबर देना चाहूँगी ना तो मैं 5 में से 4.5 नंबर जो है मैं इसको दूंगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं हेयर ऑयल की बात कर लेती हूँ। हेयर ऑयल जो है ये है सेसा अनियन हेयर ऑयल विद भृंगराज। भृंगराज आपको पता है कि हेयर फॉल को कम करने में बहुत हेल्प करता है। हेयर लॉस जो है मेरा होता था वो भी मेरा बहुत कम हो गया। उसके बाद मेरा जो डैमेज होते थे हेयर कभी आयनिंग करने की वजह से, स्ट्रेटनर हीटिंग यूज करने की वजह से, उसको भी इसने बहुत क्योर किया है। उसके बाद ये बहुत हेयर ग्रोथ करने में भी इसने मेरी हेल्प करी है। मेरे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स हैं यहाँ पे निकल करके आ गए थे। मेरी हेयर की स्ट्रेंथ जो थी ना वो बहुत कम हो गई थी, इसने उसमें भी हेल्प किया, क्योंकि इसमें कॉलेजन है। कॉलेजन क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है जिससे आपके हेयर्स के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ मिलती है और आपके बाल जो है और भी अच्छे दिखने, घने दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लस इसमें आपको कॉम टाइप इस तरह का एप्लीकेटर मिल जाता है, तो मुझे बहुत हेल्पफुल रहता है। मुझे बहुत कम टाइम मिलता है बालों में ये हेयर ऑयल लगाने का, तो मैं जब भी लगाना चाहती हूँ मुझे सचमुच में बिल्कुल आलस नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है मैं फटाफट से इसके साथ अप्लाई जो है वो कर सकती हूँ। ये आपको नीडल्स यहाँ पे मिली हुई बनी हुई मिल जाती है, इसमें से ऑयल स्क्रीट होता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी किस तरह से, तो मैं इस तरह से इजीली जो है वो अप्लाई कर लेती हूँ अपनी हेयर्स को, हेयर ऑयल को। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसमें कोई भी मिनरल नहीं है, मिनरल ऑयल ऐड नहीं किया गया है। इसकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, ज्यादा हल्की सी है, भीनी भीनी सी, मुझे बहुत पसंद है। और इसमें पैराबिन्स नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल जो है वो इसमें नहीं डाला गया है जिससे कि आपके बालों को कोई डैमेज हो। सचमुच में ये लगाने के बाद मुझे पता नहीं चलता कि मैंने अपने बालों में कुछ लगाया हुआ है, इतना लाइट फील होता है। और दो इतनी गर्मी है आजकल, बहुत ज्यादा गर्मी है, तब भी ये चिपचिप नहीं करता है। वैसे तेल बिल्कुल नहीं है जो चिपचिप करना शुरू कर जाते हैं, और गर्मियों में स्पेशली ऑयल लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। तो ये उस वैसा बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत अच्छा फील होता है इसको लगाने के बाद। इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। सारे के सारे जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो है वो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करे गए हैं, जैसे कि ऑयल, ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सब कुछ नॉर्मल करी लीव्स हैं और ग्रेप सीड है। कुछ भी केमिकल का नाम आपको इसमें नहीं मिलेगा जब आप इसको पढ़ोगे। मैं यहाँ सेपरेटली ऐड कर दूंगी ताकि आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपने केमिकली ट्रीटेड आपके बाल हैं, यानी कि आपने कोई रिबॉन्डिंग या स्मूदिंग या कुछ भी इस तरह का करवाया हुआ है, तब भी आप इसको जो है वो यूज कर सकते हो। ये उसके लिए भी बना हुआ है, ठीक है जी। प्लस मेन हो या विमेन, दोनों इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि यूनिसेक्स है, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप इसका जो एमआरपी है दैट इज 395 रुपीज। इनके लिंक्स जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज मैं यूज करती हूँ सेसा का अनियन शैम्पू विद रीठा एंड शिकाकाई। शिकाकाई और रीठे से क्या होता है, आपके बालों
कि जो टूटते हैं ना बाल आपके, ब्रेकेज जो होती है उसको बहुत हेल्प मिलती है ना टूटने में, ठीक है। आपके बालों में स्ट्रेंथ आती है जिसकी वजह से वो टूटने कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल है। अनियन तो इसमें है ही है, अनियन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपने सिंपली अनियन का जो जूस है अगर आपने बालों में कभी ऐड किया है तो आपको पता होगा ये कितना हेल्पफुल होता है, इतना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सल्फर होता है जिससे आपके बालों में बहुत ज्यादा बाउंस, शाइन और स्ट्रेंथ जो है वो आती है। और ये इसमें तो रीठा भी है, शिकाकाई भी है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प और भी मिलने वाली है। प्लस गाइस, मैंने जब इसको यूज करती हूँ ना तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि इसमें ज्यादा स्मेल नहीं आती, इसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव झाग नहीं होता जिससे पता चलता है कि इसमें केमिकल ज्यादा ऐड किए ही नहीं गए हैं। जब आप इसको यूज करोगे ना आपको खुद को पता चलेगा कि ये कितना अच्छा फॉर्मुलेशन है। इसमें आपको एक माइल्डनेस, एक सॉफ्टनेस मिलती है। मेरे बालों में स्पेशली क्या होता था, मैं कभी पैंटीन यूज कर लेती थी, कभी मैं हेड एंड शोल्डर यूज कर लेती थी, तो उससे मुझे क्या होता था, मेरा स्कैल्प जो है वो बहुत ड्राई है और बहुत सेंसिटिव है, और उसके बाद मुझे जब भी मैं बाल धोकर के बाहर आती थी तो मुझे खारिश होना शुरू हो जाता स्कैल्प में, इतना इचीनेस लगने लग जाता था, जैसे ड्राइनेस हो गया है, फ्लेकी फ्लेकी हो जाता था, सिकरी आना शुरू हो जाती थी। तो इसके साथ मुझे वो सब नए इशू होने बंद हो गए थे। लिटरली मैंने कल बाल धोए हैं और आज मैं इसका वीडियो बना रही हूँ सीरियसली, लेकिन स्टिल आप देख सकते हो कि मेरे बाल कितने बाउंस हैं। लिटिल बिट यहाँ पे पसीना आ रहा है बिकॉज ऑब्वियसली गर्मी है, लेकिन स्टिल बाउंस है, स्टिल शाइन है, स्ट्रेंथ पता लग रहा है कि मेरे बालों की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई है। तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। प्लस इसमें भी कोई पैराबेंस नहीं है, कोई सल्फेट नहीं है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है, ज्यादा कोई फ्रेग्रेंस वगैरह ऐड नहीं की गई है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। और दोनों ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, वुमेन एंड मैन बोथ कैन यूज दिस। और इसका जो MRP है दैट इज 445 rupees, 300 ml है ये वाली बॉटल का। इनफ है गाइस, बहुत देर तक आपका चल जाता है। तो दिस इज द शैम्पू फ्रॉम सेसा जो मैं यूज करती हूँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कंडीशनर की। तो गाइज ये है इनका कंडीशनर, दिस इज सेसा अनियन कंडीशनर विद रीठा एंड शिकाकाई। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रीठा और शिकाकाई ब्रेकेज में बहुत हेल्प करते हैं, आपके बाल टूटते नहीं हैं, हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। अनियन तो सल्फर उसमें बहुत होता ही है, सबको पता है कि उससे आपके हेयर्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। तो ये मैं यूज करती हूँ, ये नॉर्मल कंडीशनर की तरह दिखता है और मैं नॉर्मली इसको यूज करती हूँ। मैं पहले अपने बालों को धो लेती हूँ विद द शैम्पू एंड उसके बाद इसको मैं यूज करती हूँ। इसको लगाने के बाद मैं 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद इसको मैं बालों से निकालती हूँ। उससे क्या होता है ना कि कंडीशनर का जो काम होता है ना वो अच्छे से कर पाता है। ऐसे लगाते हम निकाल देंगे तो वो अच्छी तरह से अपना काम नहीं करना कर पाता है। अगर आपको थोड़े स्ट्रेट हेयर अच्छे लगते हैं ना तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये बालों को एक स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेट तो करता ही करता है लेकिन एक बाउंस भी प्रोवाइड करता है, जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है। मेरे बाल जो है वो स्ट्रेट है, काफी स्ट्रेट है, ऑल्दो अभी थोड़ा सा बाउंस लग रहा है लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं दीज आर स्ट्रेट, तो ये इसकी वजह से ही होता है। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसके बाद। मैं तुरंत जब भी मुझे कोई वीडियो वगैरह शूट करना होता है तो मैं फटाफट से पहले बाल धो लेती हूँ ताकि मुझे एक अच्छा सा स्ट्रेटनिंग इफेक्ट मिल जाए, ताकि मुझे स्ट्रेट ना करने पड़े, थोड़ा सा बाउंस भी रहे जिससे बाल जो है वो नेचुरली अच्छे लगते हैं। तो ये इसके साथ मुझे मिल जाता है। इसमें भी आपको कोई सल्फर, कोई पैराबेंस, कोई मिनरल ऑयल, कुछ भी इस तरह का नहीं मिलता है। सबके इंग्रेडिएंट लिस्ट की मैं फोटो जरूर यहां मेंशन करूंगी। ये ऐसे पहले प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं जिसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट में कोई भी केमिकल जो है वो ऐड नहीं किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया आपको अप्लाई कैसे करना है, बाल अपने धोने के बाद आपको 2-3 मिनट के लिए इसको अप्लाई करके रखना है। पहले इसको अच्छे से अप्लाई कर ले अपने हैंड्स के साथ, फिर आप टाई करके एक रबर बैंड जो है ऊपर लगा दें, बाकी आप अपने थोड़े 2-3 मिनट के लिए अपने काम कर ले, फिर आप इसको वॉश करें तो इसका रिजल्ट जो है वो और भी अच्छा जो है वो आता है, ठीक है। एंड गाइस, कंडीशनर का भी जो MRP है दैट इज 445 rupees। अगर आप चाहते हो कि आपको इनके ऊपर ऑफ मिले, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड जो है वो यूज करते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी। अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, तो आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगी, आपको कहां पे जाकर के खरीदने हैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगी, नीचे आपको कूपन कोड का भी दे दूंगी। सारी डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी ताकि आप अच्छे से देख सकें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हम यहाँ वीडियो में नहीं बोलते हैं लेकिन नीचे ऐड कर देते हैं। तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर ऐड कर लें। आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक बाय द वे वहां पे मिल जाएगा, तो अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्यूटिफुल, बाय बाय, लव यू ऑल।